हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो काफ़ी मतलब कि कमेंट वगैरह आ रहे थे ना कि जो मास हायरिंग होगी जो एमएनसी से है कब स्टार्ट होने वाली है, तो इसके बारे में हम वन बाय वन सभी जो यहाँ पर 6 कंपनियाँ मेंशन है और एक दो आई थिंक मिस होगी, जैसे कि टेक महिंद्रा जिसकी अभी अभी जस्ट रिसेंटली नोटिफिकेशन आया और आई थिंक ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी स्केड्यूल हो गए होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। ज्यादा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो जैसे आप देख सकते हो ना, मेरी अगर लास्ट की वीडियो हम काउंट करेंगे तो कितनी जॉब अपडेट्स मैंने अपलोड कर रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 70% है हमारा कि लगभग लगभग अगर 10 वीडियो अपलोड करता हूँ तो 7 वीडियो होती है जॉब अपडेट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करो, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चलो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये जो इन्फोसिस की हायरिंग है काफी मास हायरिंग है। ठीक है, और मैंने काफी वीडियो भी बनाई हुई है कि जो टॉप एमएनसी है इंडिया की और इंडिया में जो हायर करती है मास हायरिंग करती है वो लगभग लगभग 2.5 से 2 लाख हायर करने वाले हैं, वो भी पर्टिकुलरली सिर्फ 22 फाइनेंशियल ईयर में। तो इन सब की जो हायरिंग है, मतलब कि अभी तो आई थिंक मार्च लास्ट में हायरिंग थी और एक और मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इन्फोसिस की जो आई थिंक 15 अप्रैल को थी, जो कि पर्टिकुलरली एसपी और डीएससी के लिए था, मतलब कि ये होता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और ये होता है आई थिंक क्या होता है ये नाम नहीं पता मुझे, आई थिंक सिस्टम इंजीनियर डी का पता नहीं मुझे, तो आई थिंक जो भी होता है तो इसके लिए आई थिंक 15 अप्रैल थी इसकी लास्ट डेट। और कैपजेमिना ये अभी तक करी नहीं है और जो भी था इनका आई थिंक मार्च लास्ट था, अब मई के लास्ट में क्यों करेंगे ये, मिड लास्ट मई में क्यों करेंगे ये और ये चारों कंपनियां क्यों करेंगी, तो मैं बताता हूँ। लास्ट में ऐसा होता है ना कि जैसे 22 वाले बैच वाले हैं जो उनका एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ किसी का, तो यही एक कारण है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो मास हायरिंग करती हैं वो मार्च तक कर लिए हैं। ठीक है, अब करेंगे ये मई के मिड में या जून के स्टार्ट में, उसका कारण यही है कि जो 22 बैच वाले हैं ना उनकी मास हायरिंग होने वाली है और मे बी 90 से 22 तक ले, तो इसीलिए ये लोग करेंगे क्योंकि एग्जाम कंडक्ट होंगे फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब तक ये मतलब कि नोटिफिकेशन ये जारी होगा इनका मतलब कि आएगा उस जो पूरा प्रोसेस होता है आई थिंक 40 से 45 डेज लगते हैं एक पर्सन को हायर करने में, तो इसीलिए ऐसा सीन है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सारा मेंशन भी किया हुआ, ठीक है, वन बाय वन कि इन्फोसिस की सैलरी ब्रैकेट होती है 3.6 से लेके 9.5 और ये आई थिंक 8 से लेके 10 तक हाइक देने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि फ्रेशर को है कि जो इनके इम्प्लॉयज हैं पुराने वाले उनकी, और इनका मिड मई में स्टार्ट होगा। 4 प्रोफाइल के लिए हायर करते हैं फ्रेशर्स को, ठीक है, एक होती है सिस्टम इंजीनियर, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डीएससी का मुझे फुल फॉर्म पता नहीं। देन कैपजेमिनी वाले भी 3.6 या 3.25 एलपीए के लिए करते हैं, जो होती है एएससी प्रोफाइल या फिर होती है इनकी सिस्टम इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यही प्रोफाइल होती है। और कोग्निजेंट की भी आई थिंक मिड मई में होगी और जो होती है जेंसीज और जेंसी नेक्स्ट, और ये होती है आई थिंक 6.5 के लिए, एक होती है 3.5 के लिए और एक होती है 4 के लिए, और इसी में आई थिंक सीएसआई प्रोफाइल भी होती है जो आती है 4 लाख के लिए। ठीक है, फिर आती है आपकी विप्रो, विप्रो की तो आई थिंक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि उसकी हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसका जो सैलरी पैकेज है 11 LPA है। हाँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर, और काफी क्वेश्चन था ना कि इतना हाईएस्ट क्यों, बाकी इतना ज्यादा क्यों, क्योंकि ये 3.5 की 3.8 ही देते हैं, इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं, तो इसका कारण ये ना कि ऑनलाइन जो टेस्ट है इनका थोड़ा सा टफ है नॉर्मल जो उनकी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए प्रोफाइल होती है इसीलिए। और ना कुछ सिलेक्टेड कॉलेज है, मतलब कि जो होता है ना tier 1 tier 2 ऐसा कुछ सीन है, इसीलिए लोग सैलरी पैकेज इतना हाई है, यही कारण है। और टीसीएस की आई थिंक मैंने एक हफ्ते या दो हफ्ते पहले डाला था कि टीसीएस जो वो है निंजा प्रोफाइल जिसकी आई थिंक 7.5 LPA होती है, ठीक है, उसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल थी इन्फोसिस वाले की तरह, ठीक है, तो उसकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। और एसेंचर ने भी स्टार्ट कर दिया है, अभी जस्ट थोड़ी देर दिन पहले ही इनकी नोटिफिकेशन आई है, वो प्रोफाइल के लिए हायरिंग स्टार्ट की है। और ये ऐसी वीडियो मैंने आई थिंक अपने चैनल पे अपलोड भी कर रखी जिसकी जो सैलरी पैकेज है 3.5 से 6.5 LPA के लिए, और जो प्रोफाइल इनकी होने वाली है एएससी और एसएएससी, मतलब एएससी मतलब कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एसएएससी मतलब कि सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज ऐसे कुछ करके प्रोफाइल है। तो चलो मैं दिखाता हूँ वन बाय वन, पहले मैं दिखाता हूँ एसेंचर वाला, तो एसेंचर का आई थिंक काफी पहले चल रही थी,
ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोफाइल है इनकी, ये देखो ये वाली है एएससी प्रोफाइल के लिए, तो यहाँ पर मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये दोनों मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक है इंजीनियरिंग बैच और एक है नॉन इंजीनियरिंग, ये एसेंचर की, और टेक महिंद्रा मैं भूल गया था शायद, तो टेक महिंद्रा का भी दिखा देता हूँ मैं, तो टेक महिंद्रा का ये रहा। और इसमें है 22 बैच पर्टिकुलरली एलिजिबल है और मास्टर और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, विप्रो की बात, ये सारी वीडियो चली जा रही थी, मैं देखा भी नहीं, तो ये देखो ये है विप्रो का, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है ईयर ऑफ पासिंग 2022, तो यहाँ भी विप्रो का भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो तीन जो मास हायरिंग चल रही है अभी भी, ठीक है, और जो इन्फोसिस वाला आई थिंक काफी पुराना होगा, चलो मैं देखता हूँ अगर मिलता है तो। इन्फोसिस हायरिंग काफी पहले की वीडियो बनाई थी, देखते हैं मिलती कहाँ, बिग इन अमेजोन काफी पुरानी है मे बी, ये रही हाँ, देखो ये है 13 दिन पहले, मतलब ये आज है 16 यानी कि 2 या 3 अप्रैल की थी और लास्ट डेट इसकी अभी 17 अप्रैल है, तो अभी अप्लाई कर सकती हो, कल तक का टाइम है इसमें, ठीक है। ये पर्टिकुलर जैसे मैंने पहले बताया ना एसपी और डीएससी प्रोफाइल के लिए है। और अगली जो है आपकी टीसीएस हायरिंग में दिखाता हूँ, टीसीएस हायरिंग जो आई थिंक निकल गई वो 15 अप्रैल तक ही थी, ठीक है, वो 15 अप्रैल तक ही थी ऑफ कैंपस हायरिंग, ये है तो वुमेन वाली है, ठीक है, ये रही। तो ये देखो यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन भी, ये नहीं थी, ये तो अभी रिसेंट वाली है, एक जो थी कहाँ गई, हाँ ये रही, ये देखो यहाँ पे मेंशन किया 15 अप्रैल की लास्ट डेट जो निकल गई, टीसीएस वाला भी सारे, मतलब सारी हायरिंग अभी भी चल रही है, ठीक है। जैसे मैंने वन बाय वन सारा डिस्कस ही कर दिया कि ये जो टॉप की एमएनसी इंडिया में जो मास हायरिंग करती है उनमें से दो की अभी अभी नोटिफिकेशन आई है, सेंचर और विप्रो की और टेक महिंद्रा जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, सबका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो जो अभी अभी हायरिंग कर रही है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि आप भूल जाओ, क्योंकि सभी लोग तो मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम ऐसे क्या बोलते हैं गूगल से स्टार्ट नहीं करते हैं, इंडिया में 98% तो इधर ही से स्टार्ट करते हैं ना। तो चलो फिर, मैं भी आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हुई, काफी मतलब कि ट्रेंडिंग टॉपिक था ना कि अभी, और इस मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले कि 22 का सिलेक्शन मिल आया है तो क्या बोलते हैं उसका वो कब आएगा, क्या बोलते हैं ऑफर लेटर कब आएगा, तो ये सारी चीजें मुझे पता है आने वाली हैं, तो उस सीन में आपको वेट करना पड़ेगा, जून तक आ जाए 22 वालों को लिए, ठीक है, ऑफर लेटर। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।